नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप वॉइस कॉइल इसमें हम चेंज करने वाले हैं। देखिए तो इसमें आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वॉइस कॉइल चेंज करने के लिए हमें जो ये गोंद लगा हुआ है, इस गोंद को हम कैसे रिमूव करेंगे। जबकि हम पिछले वीडियो में आपको वॉइस कॉइल जो है दोस्तों 300 वाट की कॉइल को लगाना हम सिखा चुके हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको हम सिखाएंगे कि ये जो कॉइल पर लगी हुई जो गोंद है, इस गोंद को हम कैसे रिमूव करें। तो देखिए, हमारे पास बुलवर मशीन है 850 वाट की और इसकी मदद से हम इसको रिमूव करेंगे। और अगर आपके पास बुलवर मशीन नहीं है तो आप 100 वाट की या 200 वाट की बल्ब को लगा करके इस तरह से जो है बल्ब को कनेक्शन करके इसमें गोंद को जो है रिमूव कर सकते हैं आसानी पूर्वक से। ठीक है, तो जिसके पास बुलवर मशीन है, बुलवर की मशीन से आप बहुत ही आसानी पूर्वक से रिमूव कर सकते हैं। चलिए हम दिखाते हैं, ये प्रॉपर तरीका बताएंगे। ठीक है, तो आप सभी से छोटी सी निवेदन है कि वीडियो को जो है लास्ट तक देखा कीजिए, क्योंकि आप सब वीडियो को स्किप करके देखते हैं, इसीलिए आप पूरी काम को हमारी सीख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बुलवर मशीन को इस तरह से पकड़ना है और हल्का हल्का जो है दोस्तों इस तरह से साइड साइड से हमें हिट करते हुए आना है, और एक तरफ से जो ये चाकू की मदद से हम रिमूव करेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे इस तरह से हमें रिमूव करना है। चलिए हम दिखाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम गर्म कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए इस तरह से गर्म करने के बाद अपने आप छूट रहा है, गोंद जो है हमारी रिमूव हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से रिमूव किया जाता है, कुछ नहीं होगा, पर्दा भी आपकी सेफ हो जाएगी। ठीक है, कॉयल भी कुछ नहीं होगी, और यहाँ से एकदम बहुत ही आसानी पूर्वक से इस तरह से आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फटाफट ये हो जाएगा। देखिए 2 से 5 मिनट के अंदर हम आपको करके दिखाते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह से हम पूरी गोंद को रिमूव कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, ईयर वाले जो कूल ईयर वाले पंप होती है उसकी मदद से हम डस्ट कचरा सबको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, देखिए इस मशीन की मदद से हम जितने भी कचड़े फंसे हुए हैं सभी को हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो देखिए साफ हो चुका है। अब यहाँ से हम कॉइल को जो है बिठा करके देखेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी कॉइल हमारी जो है प्रॉपर तरीके से नहीं बैठ रही है, इसे और साइड से हमें थोड़ा सा और साफ़ करना है। ठीक है, साफ़ करने के बाद ही हमारी कॉइल जो है बैठ पाएगी। चलिए हम साफ़ कर लेते हैं फटाफट, उसके बाद हम आपको बिठा के दिखाते हैं। जो स्पीकर की चारों ओर लगा हुआ था गोंद, ये सब हम सभी को साफ़ कर चुके हैं, देख सकते हैं अच्छी तरह से, आप देख सकते हैं बिल्कुल। और इस तरह से बुलवर मशीन के द्वारा हम अच्छी तरह से हम साफ़ कर पाएँ, ये मशीन के द्वारा से हम हीट करते गए और एक चाकू की मदद से हम साइड साइड से हल्का हल्का जो है दोस्तों ये सब हम कचरा जो मिला है गोंद का ये सब हम सब निकाल दिए। ठीक है, और पंप के ज़रिए हम साफ़ कर चुके हैं। देखिए साफ़ हो चुका है। अब चलिए कॉइल का लगाने का जो तरीका होता है वो भी हम आपको इसी वीडियो में बता देते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। ठीक है, अगर वीडियो को पूरी आप वॉच करेंगे तो मैं 100% गारंटी लेता हूं आप अच्छे क्वालिटी वाले स्पीकर रिपेयरिंग करना सीख सकते हैं। देखिए सबसे पहले स्पीकर की जो कॉइल होती है, जली हुई ओरिजिनल कॉइल, और जो आप मार्केट से ख़रीदेंगे सेम कॉइल मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो कॉइल है ये जली हुई है, देख सकते हैं ये काला हो गया है। ठीक है, ये साइड से हमारी काला हो गया और ये हमारी नई कॉइल है। ठीक है, अब देखिए इसका जो ये वायर है और ये वायर सेम मिलना चाहिए। देखिए हमारे सेम मिल रही है। ठीक है, दोनों एकदम एक जैसा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमें सेट करना है। देखिए अच्छी क्वालिटी में अगर आप आवाज़ इसको चाहते हैं तो इसका जो तार है, ठीक है, ये तार को सबसे पहले चेक मापी करना है। चलिए मापी करके आपको दिखाते हैं। तो अब देखिए ये हम
तार को हम मापी कर रहे हैं। देखिए ये हमारे 1.25 इंची तार इसमें लपटा हुआ है, ठीक है। ये देखिए यहाँ हमारी चार भाग हो रही है, इस लकीर से इस लकीर तक हमारी चार भाग हो रही है। तो इसमें से हम देखिए 1, 2, 3 ये इतना तक हम कॉइल को अंदर और बाहर रखेंगे, ठीक है। चलिए हम दागी देते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए कॉइल में हम निशान बना चुके हैं, देखिए ये देखिए कॉइल में हम निशान बना चुके हैं 1, 2, 3। देखिए अब हमें क्या करना है, इतना सा कॉइल को हमें जो है अंदर की रखना है और इधर इतना हमें बाहर की ओर रखना है। चलिए हम सेट करके आपको हम दिखाते हैं, ठीक है। हमें कॉइल को रखना है, ठीक है। अब देखिए कॉइल को फंसाने के लिए हमें जो है शीट पेपर हम देंगे इसमें, और शीट पेपर की मदद से हम इसको जो है कॉइल को रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसमें गोंद की मदद से हम जाम कर देंगे कॉइल, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमारी जितने लकीर हम दाग दिए हैं सेम उसी में हमको कॉइल को रख देना है, ठीक है। रख चुके हैं, अब चलिए हम बढ़िया से इसको हम पेपर से हम इसको खिसा लेते हैं। कॉइल को इस तरह से हम पिच को हम जाम कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए पहली बार जब आप कॉइल बना रेडी करेंगे तो इसमें साइड में जो है दोस्तों गोंद को देने के बाद हो सकता है कि पिघल के अंदर भी घुस सकता है। इसके लिए हमें एक धागा हमें साइड साइड पर हमें दे देना है इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से एक धागा हम साइड साइड पर इस तरह से हम इसमें बीच में हम डाल देंगे, ठीक है, ताकि हमारी जो एरोलाइट गोंद लठा है वो हमारे नीचे की ओर पिघल के ना चला जाए, ठीक है। तो यहाँ से हम इस तरह से हम सेट कर चुके हैं, ठीक है। अब चलिए इसमें हम गोंद लगा लेते हैं और फिर आपको हम दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए अब दोनों गोंद को जो है मिक्स करके हम एरोलाइट को इस तरह से हम कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हम साइड साइड पर हल्का हल्का इस तरह हम देंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए इस तरह से हम एरोलाइट जो लठा है ये गोंद है हम इस तरह से पूरी हम दे चुके हैं स्पीकर में, ठीक है। अब थोड़ी देर हम इसे सूखने देते हैं और फिर हम सोल्डरिंग करके इसकी हम साउंड को टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये कंप्लीट हम कर चुके हैं, ठीक है। ये कॉइल को बिठा चुके हैं, सोल्डरिंग भी कर चुके हैं और जितने भी एरोलाइट गोंद देना था दे चुके हैं, ठीक है। अब हम कुछ देर इसे सूखने देते हैं, फिर हम आपको इसको टेस्टिंग करके दिखाते हैं, ठीक है। तब तक के लिए हम वीडियो को पॉज करके रखते हैं। तो ये देख सकते हैं पूरी फिटिंग जो है हम स्पीकर की ऊपर वाले हम कर चुके हैं, ठीक है। ये 15 इंच की स्पीकर है जो कि 500 वाट की है, ठीक है। अब यहाँ से हम चलिए इसको हम टेस्ट करके आपको हम दिखाते हैं। ये पूरी तरह से सूख चुकी है, ठीक है, देख सकते हैं। और ये स्मूथ हमारी अप डाउन हो रही है, देख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बिल्कुल आप सबको कैमरा पर अच्छी तरह से दिख रही होगी, ठीक है। इस तरह से बन चुकी है। अब चलिए यहाँ से हम 800 वाट की एम्पलीफायर है और इसकी मदद से हम आपको साउंड की टेस्टिंग हम करके दिखाते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं साउंड बिल्कुल सही निकल रही है और पूरी क्लीन निकल रही है, ठीक है। ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। इस तरह से आप कॉइल की वॉइस कॉल को चेंज कर सकते हैं आसानी पूर्वक से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक करके नोटिफिकेशन घंटी कॉल पर जरूर सेट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे टॉपिक लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।